वेज किचन में ब्लूमिंग कॉस्टिला रिंग बनाएंगे। इसे स्पिनिच और कॉर्न के साथ बनाएंगे, इसलिए हेल्दी भी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है और टेस्टी भी है। एक बाउल में व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा लेंगे, उसमें मैदा डालेंगे, नमक डालेंगे। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके पानी डाल के उसका एक डो बना लेंगे। 2 कप गेहूं के आटे में 1/2 कप मैदा को मिक्स करे हैं। अगर आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा या पूरा मैदा भी ले सकते हैं। डो बनाने के बाद उस पर ऑयल लगाएंगे। इस डो से एक साइज के 15 बॉल बना लेंगे। एक बॉल लेंगे, उस पर व्हीट फ्लोर लगाएंगे, इससे बेलने में आसानी होगी, वो चिपकेगा नहीं। उसकी एक पतली रोटी बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करना है, नहीं तो फिलिंग डालने से वो टूट जाएगी। सारी रोटियां बेल के तैयार कर लेंगे। गरम तवे पे बेली हुई रोटी डालेंगे, तरफ उस पर हल्के से स्पॉट आने लगे हैं, उसे पलट के अब दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। सारी रोटी ऐसे ही सेक के तैयार कर लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में तेल को गरम करेंगे और उसमें कटे हुए लहसुन डाल के कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। अब उसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, प्याज को चलाते हुए रोस्ट करेंगे। प्याज को रोस्ट करते कुछ देर हो गई है और उसका कलर भी हल्का ब्राउन हो गया है। प्याज को किनारे करके बीच में जगह बनाएंगे और उसमें बटर डालेंगे। अब इसमें मैदा डालेंगे, बटर और मैदा को अच्छे से मिक्स करते हुए रोस्ट करेंगे। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। अब मसाले डालेंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, ऑरिगेनो 1 टीस्पून डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च आप ज़्यादा डालें। सारे मसालों को मिक्स करते हुए 2 मिनट रोस्ट करेंगे। अमेरिकन कॉर्न के दाने डालेंगे, इन्हें भी चलाते हुए 2 मिनट रोस्ट करेंगे। अब इसमें कटे हुए पालक डालेंगे, पालक को धो के अच्छे से साफ करके उसे बारीक काट लिए हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, इससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी वो आपको तुरंत मिलेगा। पालक को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मिक्स करते हुए उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब इसमें छोटे टुकड़ों में कटा हुआ पनीर डालेंगे और मिक्स करते हुए इसका कच्चापन खत्म होते तक रोस्ट करेंगे। अब कुछ देर हाई फ्लेम पे चलाते हुए रोस्ट करेंगे। अब इसमें टमाटर सॉस डालेंगे, अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे। फिलिंग रेडी है, ये बहुत टेस्टी होती है। रोटी और चावल के साथ सब्जी के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। जो रोटियां हमने तैयार करके रखी हैं उसे बीच से हाफ कट कर लेंगे। रोटी के कॉर्नर को छोड़ते हुए उस पर फिलिंग रखेंगे और उसके ऊपर चीज डालेंगे। अब उस कॉर्नर से फिलिंग को कवर करते हुए कॉर्न बना लेंगे। हमने 15 रोटियां तैयार की थी, 15 रोटियों को हाफ कट करने के बाद उससे 30 कॉर्न बनेंगे। ऐसे ही सारे कॉर्न तैयार करेंगे। एक प्लेट लेके उसके बीच में बाउल रखेंगे, उसके चारों तरफ हमने जो तैयार किए हैं वो कॉर्न लगाते जाएंगे। उसके ऊपर चीज़ डालेंगे, फिर से एक लेयर लगाएंगे। लेयर लगाने के बाद चीज़ डालेंगे, बीच में जो बाउल रखा है उसे हटाएंगे। अब कॉर्न को लास्ट और तीसरी लेयर में जमाएंगे। जो 30 कॉर्न बना के रखे थे वो सारे कॉर्न 3 लेयर में सेट हो जाते हैं। बीच की खाली जगह में बची हुई स्टफिंग रखेंगे। अब इसे भी मोजरेला चीज़ से अच्छे से कवर करेंगे। मोजरेला चीज़ की क्वांटिटी आप अपने पसंद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे ओवन या माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पे बेक करेंगे। 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। 180 डिग्री पर ही 10 से 12 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। चीज़ अच्छे से मेल्ट होने लगी है और उस पर रेड स्पॉट भी आ गए हैं। अब हमारा ब्लूमिंग कॉस्टिला रिंग तैयार है।
जो दिखने में बहुत ही सुंदर एक फ्लावर के जैसे लग रहा है। ये एक टेस्टी रेसिपी है, इसे बनाना भी आसान है, आप इसे ज़रूर बना के देखें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर करें।